तेजी से गुजरात की ओर बढ़ रहा है महातूफान बिपरजॉय, दोपहर बाद जोखे पोर्ट से टकराएगा। पचास किलोमीटर की रफ्तार से गुजरात तट से टकराएगा तूफान, भारी तबाही की आशंका। तूफान से पहले गुजरात बिपरजॉय की आहार, तेज हवा के साथ कई इलाकों में बारिश। गुजरात के 12 जिलों में तूफान की आशंका, सौराष्ट्र कच्छ से लेकर जामनगर तक रेड अलर्ट। गुजरात के मांडवी में समंदर में उफान, हाईटाइड्स में ऊंची उठी लहरें। मांडवी से 180 किलोमीटर दूर है तूफान बिपरजॉय, मौसम का बदला मिजाज, समंदर में हिलौरे मार रही लहरें। मांडवी में तेज हवा के बारिश, हिलने लगे पेड़ पौधे। मांडवी में तूफान का होगा सबसे ज्यादा असर, समुद्र किनारे के सारे गांव खाली कराए गए। द्वारका में समंदर उफान पर, गरज रही लहरें। अंतरिक्ष से दिखी महातूफान की खौफनाक तस्वीरें, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कैमरे में कैद। यूएई के अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अनियादी ने बिपरजॉय का वीडियो शेयर किया, लिखा भगवान सबकी रक्षा करें। गुजरात से 50,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया, सेना नेवी एयरफोर्स हाई अलर्ट पर। गुजरात में एनडीआरएफ की 17 टीमें मुस्तैद, एसडीआरएफ की 12 टीमें लगाई गई, नौसेना के 4 जहाज तैयार। कोस्ट गार्ड ने तूफान को लेकर लोगों को चेताया, पोरबंदर से उत्तर पश्चिम 190 समुद्री मील दिखा तेज तूफान। मांडवी के सलाया गांव में पसरा सन्नाटा, तूफान के कारण खाली कराए गए। द्वारकाधीश जगत मंदिर आज श्रद्धालुओं के लिए बंद, दर्शन नहीं कर पाएंगे भक्त। महातूफान को लेकर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मंदिर में की पूजा, बिपरजॉय से राहत के लिए प्रार्थना। तूफान को लेकर मथुरा में पूजा, तबाही से बचाने के लिए भगवान की आराधना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कच्छ के अस्पतालों की समीक्षा की, ऑक्सीजन वेंटिलेटर और क्रिटिकल केयर बेड के बारे में जाना। गृहमंत्री अमित शाह ने तूफान बिपरजॉय के कारण तेलंगाना दौरा रद्द किया, दिल्ली के दफ्तर से हालात पर रखेंगे नजर। मुंबई ठाणे में येलो अलर्ट जारी, तूफान से पहले तेज बारिश की आशंका, 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। गोवा के तटों पर बिपरजॉय का असर दिखने लगा, समंदर में ऊंची लहरें उठ रही, सैलानियों के समंदर में जाने पर रोक। पाकिस्तान में कराची के आसपास तूफान का खतरा, करीब 60,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर लाया गया।